स्टूडेंट्स, ये देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे आज। मल्टीप्लिकेशन केजी एंड ग्राम का है, तो केजी एंड ग्राम में जो फिगर आपको दिख रहा है 2 केजी 250 केजी बाई 12, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ दो फिगर दिख रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ देंगे, केजी और ग्राम को जोड़ देंगे केजी में या ग्राम में। तो हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 2.250 केजी। अब इसको सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ लिख सकते हैं 2.250 मल्टीप्लाई 12, लेकिन इसको भी हम थोड़ी देर के लिए डेसिमल, पहले हम लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल को भूल जाएंगे, और यहाँ 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 और 5 दूना 10 का शून्य हो गया, ये लिखेंगे हम लोग 0, 2 दूना 4 और एक हाथ में था 5 हो गया और 2 दूना 4। अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और यहाँ 2 एकम 2 और 2 फिर से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 0, 5 5 10 का शून्य, बाकी 1 4 2 6 1 7 और ये हो गया 2। आपका आंसर हो गया 27,000। क्या हम लोग लिखेंगे इसको, ये आ गया था आपका केजी में, तो अब यहाँ केजी है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 27,000 केजी। तो ये आंसर आपको केजी में मिला। तो स्टूडेंट आपने सीखा कि केजी और ग्राम का मल्टीप्लिकेशन कैसे सिंपल वे में करेंगे। वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से नेक्स्ट वीडियो